ballot unit. This is control unit. This is known as VVPAT. तीनों अलग अलग कैबिनेट्स आपने निकाला, इसको कनेक्ट करना है. कनेक्ट करना है, जब पहले एक चीज को इंश्योर कर लेना है, जब ट्रांसपोर्ट करते हैं वीवीपैट को, ऐसी स्थिति में नहीं रहती है. इनएक्टिव मोड में इट शुड बी हॉरिजॉन्टल. जब भी आप ट्रांसपोर्ट करें, एक्टिव मोड में ही वर्टिकल ये होता है, जब ये ऑफ होता है तो ये हॉरिजॉन्टल रहेगा. इसका ध्यान दीजिए. पर बैटरी कहाँ है? बैटरी आपको कुछ नहीं करना है, सबको फिटेड मिलेगा. बैटरी यहाँ पे है और ये फिटेड मिलेगा. बैटरी के साथ आपको खिलवाड़ करना ही नहीं है, ना इसके बैटरी के साथ खिलवाड़ करना है, ना इसके साथ. ये ऑलरेडी सील्ड मिलेगा आपको, जिसमें रिसीव करेंगे. आपको सिर्फ इस कंपार्टमेंट को देखना है. इसमें डोर आउटर भी है, इनर भी है, भी हम बताएंगे आपको. वीवीपैट, जैसा पंडा सर बोल रहे थे ट्रेनिंग के दौरान, यू हैव टू रिमेम्बर द कोड VC, वाइस चांसलर. मीन्स वीवीपैट, इसके पास में केबल है, मदर केबल. दिस विल गो टू सी, कंट्रोल यूनिट, वी टू सी, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज VC. इसका कैबिनेट पीछे है, ये स्विच ऑफ ऑन का है. इस चीज को याद रखिए, टॉप को देखिए, ये टॉप ऊपर रहेगा हमेशा. इंसर्ट करने के टाइम में यू हैव टू पिक इट हियर, यहाँ पे एकदम टॉप को देखिए. रेड विल गो टू रेड, ब्लैक विल कम टू ब्लैक. ये इसमें इंसर्ट किए, पुश किए, कट किया, मतलब सक्सेसफुली डन. अगर इसको खोलना है, खोलना भी पड़ेगा मॉक कॉल के बाद में. खोलने का टाइम में आप कैसे खोलेंगे, इसको खींच के नहीं खोलेंगे. अगर इसको खींच के खोलेंगे, गलती से भी पिन डिस्टर्ब हो गया तो ये काम नहीं करेगा. दोनों साइड में लैचेस हैं, इसको प्रेस कीजिए, निकल जाएगा. ये इंसर्ट करने के टाइम में यहाँ पकड़ना है, खोलने के टाइम में साइड पकड़ना है. एक कनेक्शन हो गया. सेकेंड कनेक्शन B to V, इसका मदर केबल ये है, इसका इट विल कम टू B. टॉप की तरफ आइए, इसका दरवाजा यहाँ है. वीवीपैट को खोलने में, केबल को लगाने में बड़ी समस्या होती है कि इसको तोड़ दिया जाता है. तोड़ इसलिए दिया जाता है, नीचे का कंपार्टमेंट का भी खोलने का यहीं पे है, ऊपर का भी खोलने का यहीं पे है. लोग इसको पिकअप नहीं करके इसको जबरदस्ती ऐसे ऐसे करते हैं, तोड़ देते हैं. अगर टूट गया तो बहुत बड़ी समस्या आपके लिए हो जाएगी. माइंड इट, गलती से भी साइड वाले को मत देखिए, सेंटर वाले को हल्का सा कुछ कीजिए, खुल जाए. ठीक है, इसको खोलने के बाद में दो चीज का ध्यान दीजिए. ये केबल जो है, जैसे उसमें इन किया, यहां भी ऐसे इन होगा. डन. यहां स्विच 1-2 का है, ये 1 पे ही आपको दिया जाएगा. गलती से भी आप इसके साथ खेलते हुए 2 पे मत कीजिएगा. 2 पे करने का मतलब होता है कि वी आर गोइंग टू यूज मोर देन 1 बैलेट. बैलेट यूनिट पूरे अरुणाचल में कोई भी स्टेशन ऐसा नहीं है जहां एक से ज्यादा यूज होगा. एक में 2000 को कवर किया जाता है. इसलिए आपको इस चीज की चिंता नहीं करना है. इट विल रिमेन एट 1. गलती से भी इसको टच नहीं करना है. ये 2 है, 1 है, 1 पे किया हुआ है, ऐसा ही रहेगा, आपको ऐसा ही रखना है. कनेक्ट कर लिया. टोटल कनेक्शन ड्यूरिंग द हॉरिजॉन्टल मोड, जब आप कनेक्शन कर रहे होते हैं हॉरिजॉन्टल मोड में ही होगा. इस चीज का याद रखिए. अब इसके बाद में आपका कनेक्शन पूरा हो चुका है. कनेक्शन पूरा हुआ है, आप अभी इसको ऑन करने जा रहे हैं. ऑन करने के पहले इसको वर्टिकल कर देंगे. वर्टिकल करने के बाद ही ऑन होगा, तब आपका काम करेगा. ये वर्टिकल किए, यहाँ पहले EVS इज गेटिंग रेडी. कुछ कुछ डाटा डिस्प्ले करेगा, 30 सेकेंड. ईच डिस्प्ले के बाद में 30 सेकेंड का टाइम आपको देना है. इम्पेशेंट नहीं होना है, फटाफट दूसरे डाटा में नहीं जाना. जैसे ये रेडी होगा, 7 प्रिंट कागज गिरेगा. इट इज गेटिंग रेडी. वीवीपैट सही काम कर रहा है, इसका प्रूफ यही है कि 7 पेपर गिरेगा, 1 छोटा और 6 एक साइज. इस चीज का ध्यान देना है. जैसे ही स्टार्ट होगा, कनेक्ट करेंगे 7 पेपर्स, वो गिरना ही गिरना है. दैट इज द प्रूफ दैट इट इज गेटिंग रेडी एंड इट इज वर्किंग. सर, ये
एमएफ का काम करेगा ना, ये जो ब्लैक वाला जो है हॉरिजॉन्टल वाला, हॉरिजॉन्टल वाला ब्लैक वाला, ये वर्टिकल करेंगे तभी आपका ये ऑपरेट होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने सब कुछ कनेक्ट कर लिया, ये हॉरिजॉन्टल में रह गया, आप ऑन करेंगे ऑन नहीं होगा और आप परेशान हो जाएंगे, हमने सब कुछ सही किया जैसा बताया गया लेकिन अभी काम नहीं कर रहा है, मशीन खराब है, सिर्फ छोटा सा कारण होता है, उस चीज का ख्याल करना। नंबर 7 सेकंड्स के लिए डिस्प्ले करेगा और जैसे ये कागज गिरेगा बिप साउंड करेगा। अच्छा, थर्ड पोलिंग अफसर एंड फोर्थ पोलिंग अफसर दे आर टू बी वेरी अलर्ट, उनका काम सिर्फ बैलेट को ऑन करना नहीं है, बैलेट ऑन करने के पहले उनको पेपर वोटर स्लिप भी रिसीव करना है, अपने बैग में डालना है, तब इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करना ये सिर्फ उनका काम नहीं है, उनका ये भी देखना है कि इसने आवाज किया कि नहीं किया। बीप साउंड आया मतलब वोटर ने वोट कास्ट कर चुका है, अब आप सेकेंड वोटर को देने के लिए फिर से एक्टिवेट करेंगे, दूसरा आ गया वोट कास्ट कीजिए, याद रखिए 10 है, यहाँ पे 10 दिखाएगा। एक्टिवेट कहाँ दबा रहा है सर, एक्टिवेट टेन नंबर, इट विल रिमेन हियर फॉर 7 सेकंड्स, व्हेन इट ड्रॉप्स बीप साउंड विल कम हियर, बीप साउंड ये प्रूफ है कि वोट कास्ट हुआ है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपने बैलेट को ऑन किया, बीप साउंड नहीं आया, मतलब वो जो आदमी है इग्नोरेंट है, वहां जाके प्रेस किया जोर से नहीं किया, जो भी कारण हुआ, अगर बीप साउंड नहीं आया मतलब वोट कास्ट नहीं हुआ है और वो आगे निकल गया तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। आपका रजिस्टर बता रहा है कि आप इतना कराए हैं और एक माइनस हो रहा है, टैली नहीं करेगा, इसलिए थर्ड एंड फोर्थ पोलिंग अफसर को बोल दीजिए आपकी आंखें और आप दो आपका नंबर 14 कितना है 15 ही आएगा, 15 आया ना, ये जब गिरेगा तब आवाज आए, रेडी होना पड़ेगा, अभी ये रेडी नहीं हुआ है, अभी अभी पिलो तो भाई है।